हेलो भाई लोगों, नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पे चर्चा करने वाले हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले काफ़ी समय से काफ़ी बच्चे हैं जो कि मेरे को व्हाट्सएप पे और फेसबुक के माध्यम से कांटेक्ट कर रहे हैं और मैसेज भेज रहे हैं जॉब के विषय में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा ये रहेगा कि चाइना कैसे आया जाए और चाइना आने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट मस्ट रिक्वायर्ड है। तो पहली तो बात, अगर आप लोग सेफ हैं तो सेफ के लिए जो सबसे अहम जो डॉक्यूमेंट है वो है ग्रेजुएशन, 3 साल का होटल मैनेजमेंट का। 1 साल का नहीं चलेगा, 2 साल का डिप्लोमा नहीं चलेगा, 3 साल का मिनिमम चाहिए और वो भी भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट का। 3 साल का आपका अगर ग्रेजुएशन है, IHM कर रखा आपने, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। उसके अलावा आपको कम से कम 3 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए तो आप चाइना में आ सकते हैं। सेम अगर कोई सर्विस फील्ड में आना चाहता है एज ए सुपरवाइजर, कैप्टन, मैनेजर और जनरल मैनेजर, तो उनके लिए भी वही रिक्वायरमेंट है। लेकिन वो अगर IHM भी नहीं कर रखा उन्होंने और किसी भी यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है, तो उससे भी उनका काम आसान हो जाएगा। तो ये 2 जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे आप सर्विस में आ रहे हैं चाहे किचन में आ रहे हैं। उसके अलावा आपको एक PCC चाहिए होती है, जो कि आपको PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एंड ये जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, ये 2 डॉक्यूमेंट आपको चाइनीज एम्बेसी से नोटरी कराने पड़ते हैं। नोटरी कराने के बाद आपके जो जितने भी एक्सपीरियंस है आपके ग्रेजुएशन के बाद में, जितना भी आपने होटलों में काम कर रखा है, किसी रेस्टोरेंट में काम कर रखा है, उन सभी जगह से आपको वो एक्सपीरियंस लेटर कलेक्ट करने पड़ेंगे और वो सारे डॉक्यूमेंट एक फाइल में बना के आपका CV, आपका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन फोटो, आपका 3 साल कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस, आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं आपको फोटोकॉपी करके चाइना भेजने पड़ते हैं। लेकिन 2 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और PCC, ये चाइनीज एम्बेसी से आपको नोटरी कराना पड़ेगा। ये यहाँ भेजने के बाद में जो यहाँ की जो टीम होती है, या आप हमारी कंपनी में आ रहे हैं किसी दूसरे रेस्टोरेंट में आ रहे हैं, तो वहाँ की जो HR होगी वो सारे डॉक्यूमेंट चाइनीज में ट्रांसलेट करेगी। चाइनीज में ट्रांसलेट करने के बाद वो लोग सिस्टम में उसको डालते हैं, फिर प्रोसेस होता है, प्रोसेस 1, 2, 3। तो ये अभी हमारे किसी के हाथ में नहीं है कि भाई आपका वीज़ा हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमने वीज़ा अप्लाई कर दिया और वो वीज़ा नहीं लग रहा है किसी अलग अलग कारण से, क्योंकि आप सरकार के साथ बहस नहीं कर सकते। अगर वो वीज़ा नहीं देना चाहते तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर 99% केस में ऐसा नहीं होता, 1-8% में ऐसा होता है कि वीज़ा नहीं लग रहा है, तो उसकी भी आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो डायरेक्टली मेरे को मैसेज करते हैं, भाइयों मेरे पास में बिल्कुल जो है समय की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और दूसरी बात मैं अंबर पैलेस में जो मेरा रोल है, मैं सिर्फ जो हमारी रेस्टोरेंट की ब्रांडिंग है, डिज़ाइन है, डेकोरेशन है, कंस्ट्रक्शन है, उसको बना के तैयार करके अपनी टीम को देता हूँ। उसके बाद उसको कैसे रन करना है उसके लिए हमारी एक टीम है जो उस पर काम करती है। वैसी हमारी एक टीम है जो कि उसका हायरिंग जो प्रोसेस है वो मैं नहीं देखता हूँ। इसलिए अगर आप मेरे को मैसेज करेंगे, मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो मेरे द्वारा कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाएगी, मैं सिर्फ आपको रेफ़र कर सकता हूँ। तो हमारी कंपनी में एक हमारे F&B डायरेक्टर हैं, रमेश पैनुली जी, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा जो HR का जो हायरिंग का है वो हम मेरे बड़े भाई साहब हैं नागेंद्र प्रसाद जी, वो देखते हैं। साथ साथ हमारी कंपनी में हमारे मार्केटिंग मैनेजर हैं अमित रतूड़ी जी, वो देखते हैं। 3 लोग हैं जो कि जो उनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो कलेक्ट करते हैं, उसको HR को सबमिट करते हैं, उसके बाद HR का काम होता है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 1.5 से 2 महीना लग जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी लगता है, वो डिपेंड करता है जो सरकारी लोग हैं उसको किस तरह से प्रोसेस करके उसको अपडेट कर रहे हैं। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी कंपनी में अप्लाई करना है तो हमारी एक वेबसाइट है www.amberpalace.org, तो उस वेबसाइट पे कुछ काम हो रहा है, शायद 1 हफ्ते में वो तैयार हो जाएगी, तो उस टेक्निकल प्रॉब्लम है उसमें कुछ, तो उसमें hr@amberpalace.com.org होगा, उस पर आप अपना ईमेल कर सकते हैं। और साथ साथ जो मैंने 3 नाम बताए, रमेश पैनुली जी हो गया, नागेंद्र प्रसाद जी हो गए, अमित जी हो गए, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर आप अपना भविष्य सुधार सकते हैं। मैं भी ऐसे ही आया था, मैंने एज ए वेटर काम करा, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे इंटरव्यूज में एज ए वेटर से रेस्टोरेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर, CEO, एंड उसके बाद अभी हमारे सियान में लगभग हमारे 7 रेस्टोरेंट हैं, 8वां रेस्टोरेंट हमारा नेक्स्ट वीक में खुल रहा है,
गांधी जयंती के अवसर पर। उसके बाद हमारा जो नवा रेस्टोरेंट है वो हमारा 25 नवंबर को खुल रहा है। उसके बाद हमारा एक 10वां रेस्टोरेंट है वो हमारा 24 दिसंबर को खुल रहा है। उसके बाद जनवरी 24 को हमारा एक और रेस्टोरेंट खुल रहा है। तो रेस्टोरेंट हमारे काफ़ी खुल रहे हैं। हमें बहुत सारे अच्छे लाइक माइंडेड लोग चाहिए जिनके एटीट्यूड अच्छे हैं, जो काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा जिनके पास ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। इसमें हम आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकते। आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका एटीट्यूड एक सीखने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जो भी यहाँ पर आए वो सीखे और अपने परिवार के साथ साथ अपने गाँव का और अपने देश का नाम रोशन करें। तो मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा। तो आप जो प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, इस चीज़ पे ध्यान रखना कि जैसे भी आप लोग मेरे को मैसेज करते हैं, मैं कई बार रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त होता हूँ रेस्टोरेंट के अलावा। आप देख सकते हैं कि 8-9 रेस्टोरेंट के अलावा मैं कई बार फिल्म में बिजी रहता हूँ और भी बहुत सारे काम होते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत सारा टाइम चला जाता है, तो रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैंने आपको एक रास्ता बता दिया किस तरह से आप चाइना आ सकते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, हमारी कंपनी में आने के लिए आपको कहीं भी किसी को भी एक पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी उसके खर्चा लगते हैं उसके डॉक्यूमेंट में खर्चा लगते हैं और एक तरफ की फ़्लाइट टिकट में। उसके अलावा हमारी कंपनी वीज़ा वगैरह, यहाँ रहना खाना सब कुछ यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके और भी सवाल हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उन सभी सवालों का आने वाले समय में एक नए वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।